शंकर का नाम जपूं मैं, जपता रहता सुबह शाम, यही है सारे तीर्थ मेरे और यही है मेरे चारों धाम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको महाशिवरात्रि की एक अनोखी और अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि का व्रत विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका ना सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के निकारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का भी व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, जब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ये देख प्रसन्न हुआ, क्योंकि शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों के पिता को हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं एक बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अचानक ही एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देख मृग विनित स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली दो हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी दो पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञा बंद होकर गई है, वैसे ही मेरी मृत्यु से पहले अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया।
ताकि वह उनका शिकार कर सके, परंतु जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। धन्यवाद।